तो दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद हम हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा इतने दिनों बाद वीडियो डालने की वजह से, और इस बीच कितनी ही सारी चीजें हो गई, जैसे शक्तिमान ट्रिलॉजी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर आउट हो चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा औसम था, स्ट्रेंज थिंग के सीजन 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, यूक्रेन पर हमला हो है, ये हमारी वीडियो में कहां आ गया। तो इन सब फिजूल की बातों को छोड़ते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो एक वर्सेस बैटल होने वाली है गोल्डन मेयर प्रोडक्शन के वर्ल्ड फेमस कार्टून कैरेक्टर टॉम और राज कॉमिक्स यूनिवर्स की ट्रिनिटी यानी डोगा, ध्रुव और नागराज के बीच में। क्या आप लोगों को हंसी आ रही है? अरे अभी आप टॉम की पावर्स को नहीं जानते हो। जितनी पावर्स मार्वल, डीसी, आरसी के सारे सुपर हीरोज के पास है, उतनी तो टॉम के पास ऐसे ही पड़ी हुई है बिना जैरी को सताए हुए और उसपे मार खा के। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 3 पे हम लोग इसकी फाइट कराएंगे डोगा से, वो भी सेपरेटली। तो डोगा अपना चीज फायर करने वाला बंदा है, एकदम कसाई है, दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन। डोगा समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकता है, और जहाँ टॉम की बात है ये तो समस्याओं का पहाड़ है। तो सोचिए डोगा इसका क्या करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डोगा इसका क्या कर सकता है? गोली मारेगा, इसकी चीड़ फाड़ करेगा, लेकिन टॉम का हीलिंग फैक्टर लोगन से भी 10 गुना बेहतर है। जहाँ टॉम एक न्यूक्लियर ब्लास्ट तक के हमले को झेल गया था, और इसका अगर कोई भी पार्ट काट दिया जाता है वो दोबारा उग सकता है। इसकी हाइट छोटी कर दी जाती है, बढ़ जाती है। अगर इसका गला भी आप काटने की सोचेंगे तो हमेशा इसका गला इसके दोनों कंधों के बीच में घुस जाता है। तो इससे ये साबित होता है डोगा टॉम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन टॉम डोगो का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। यानी टॉम डोगा से जीत गया है। ताली बजाओ, ताली, ताली। अब आते हैं अपने दिमाग के धनी सुपर कमांडो ध्रुव पर। तो क्या ध्रुव इसे हरा पाएगा? ना, मुझे तो नहीं लगता है। देखिए ध्रुव कोई भी हथियार चला ले, टॉम को तो वो कुछ फील ही नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन वो टॉम को एक तरीके से जरूर हरा सकता है, वो है अपना दिमाग यूज करके उसके दिमाग का मैनिपुलेशन करना। अरे नहीं, वांडा वाला मैनिपुलेशन नहीं भाई, मतलब जैसे आपने साउथ इंडियन मूवी में देखा है, जब हीरो कुछ अच्छा काम कर रहा हो और विलन आता है उसे मार नहीं पाता है, तब वो मैनिपुलेशन करता है अपनी बातों से। अरे वैसे ही जैसे अपना लोकी करता है, मतलब वो टॉम को एकदम निराशापूर्ण बिल्ला बना देगा, और फिर क्या, टॉम सुसाइड ही कर लेगा। क्योंकि एक एपिसोड में हमने ये देखा था, टॉम सुसाइड कर लेता है जेरी के साथ, वो मर जाता, इमॉर्टल नहीं है, लेकिन तब जब वो खुद चाहे तो ध्रुव ही है जो इसे हरा सकता है। अब आते हैं अपनी नागों के देवता नागराज पर। वैसे तो नागराज के पास बहुत सी पावर्स हैं, लेकिन लात घूसा, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एस्ट्रोलॉजी, एजिलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, सबको एक कोने में डालते हुए बढ़ते हैं उसकी मेन पावर्स के पास। सबसे पहले उसके पास नागदंश, जिसको भी काटता है वो गल जाता है, लेकिन टॉम एक बार पानी पानी बन के फिर से इंसान बन जाता है, सॉरी बिल्ला। फिर आती है नागराज की विश्वंकार। अब देखो आपको कार्टून कैरेक्टर की एक मजेदार बात बताऊं, वो लोग जो चीज को चाहें अपने अंदर से निकाल सकते हैं। अरे ग्रीन लैंटर्न की तरह नहीं, वो उनके पास एक छुपी हुई पॉकेट में रखा होता है। एक एपिसोड में जब टॉम और उसका साथी मिलकर जेरी को मार रहे होते जहरीली गैस से, तब जेरी के पास एकदम से एक मास्क आ जाता है जो उस गैस को डॉच कर जाता है, मतलब जेरी के पास आ ही नहीं सकता है। अरे वैसे ही जैसे अपने रुमाल बन के कोरोना वायरस नहीं आएगा, वैसे ही टॉम उस मास्क को पहन के नागराज के विश्वंकार से बच जाएगा। अब आता है सम्मोहन। ओ माय गॉड, ये पावर है जिसके खिलाफ टॉम नहीं खड़ा हो सकता है। लेकिन रुको भैया, जेरी को तो आने दो, तुमने क्या सोचा हम लोग इतने सीधे हैं कि एक बेचारे बिल्ले को इन तीनों अमानुषों से लड़वाएंगे? अब आता है जेरी, जो टॉम को नागराज के सम्मोहन से निकाल लेगा। वैसे तो टॉम सबके सम्मोहन में नहीं आता है सिवाय बिल्लियों के, लेकिन तब भी जेरी बहुत बार उसे बिल्लियों के सम्मोहन से भी निकाल चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो इनमें से टॉम दो लोगों से जीता है और एक इंसान से हारा है, और इसका अगर राउंड ऑफ निकाले तो टॉम जीत चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो जाके, किस लिए बैठे हो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाके आपको मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।